गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा, टेक क्वेश्चन पढ़ा, आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो रहेगा वॉइस। वॉइस को हम देखें तो वॉइस देखो दो टाइप्स की होती है, देर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। एक तो होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। ये दो टाइप्स की पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस के अंदर हम सब्जेक्ट को देखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है और इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो मेन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है और उन रूल्स की हेल्प से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है, फर्स्ट रूल, वो होता है कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मैच ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा सेकंड जो रूल है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मैक्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यहां पर हमें पड़ेगा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मैक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ये हमारे टू रूल हो गए। रूल नंबर थर्ड, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव वॉइस से तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर फोर, राइट बाय बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं, बाय लिखते हैं। फिर हमारा है रूल नंबर फाइव, प्रोनाउन चेंज। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रोनाउन चेंज करते हैं, और प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना होता है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो हम उसको मी में कन्वर्ट करते हैं, और अगर मी होता है तो उसको आई में चेंज करते हैं, अगर ही होता है तो उसको हिम में चेंज करते हैं, और हिम होता है तो ही में, सी होता है तो उसको हर में चेंज करते हैं, हर होता है तो सी में, यू होता है तो उसको यू में ही रखते हैं, और यू होता है तो यू, दे होता है तो उसको देम में हम यूज करते हैं, और देम होता है तो वी होता है तो हम अस में चेंज करते हैं, और अस होता है तो वी में चेंज करते हैं। इस टाइप से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। रूल नंबर फाइव है टेंस चेंज। टेंस चेंज, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम टेंस भी चेंज करते हैं, और टेंस चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस और ईएस, या फिर आपको डू डज, यानी कि डू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर डज प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आपको इनको चेंज करना है इज,
आर में, प्लस आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस आ रहा है, डू आ रहा है या डज आ रहा है, तो आपको इज एम आर में चेंज करना है। फिर है अगर सेंटेंस के अंदर इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आई एन जी आता है, इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आई एन जी आता है, तो उसको आपको चेंज करना है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको ध्यान रहे जब सेंटेंस में इज एम आर आता है तो आपको बीइंग का ऐड करना है, बीइंग इसमें ऐड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हीज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये आता है तो उसको चेंज करना है हैज बीन और हैव बीन। ऐसे आता है तो आपको बीन ऐड करना है और इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। फिर आता है पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो आपको उसको चेंज करना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, क्योंकि वॉज वर के साथ में कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज होगा, तो इसलिए हम इसमें वॉज बीइंग वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे ही हम बात करें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारा लास्ट में बचा विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो अकेला विल सेल आता है तो आपको इसमें ऐड करना है बी विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि विल सेल आता है तो बी आपको ऐड करना है विल बी शैल बी, और इसके साथ में हैव ऐड होता है विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि अगर विल सेल आता है तो विल बी सेल बी, विल हैव सेल आता है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन, और अगर कोई मॉडल दिया हुआ होता है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको उसको चेंज करना है, जो मॉडल दिया हुआ है वो मॉडल राइट करना है, उसके साथ में बी एड करना है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। इस टाइप से ये हमारा क्या हो गया टेंस चेंज के रूल्स हो गए, यानी कि आपको ये लर्न करना है जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इसको ऐसे चेंज करते हैं। अब इसके जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।